आज हम बात करेंगे SRF के स्टॉक के बारे में। SRF के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट है एंड यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने मिल रहा है। हमको स्टॉक में हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में बीच बीच में यहाँ पर गिरावट भी देखने मिली, लेकिन यहाँ पर स्टॉक ने कभी भी अपने लो को ब्रेक नहीं किया और हमको स्टॉक में लगातार तेज़ी से देखने मिली है। लेकिन अभी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से हमको अगेन यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने मिल रही है। आज भी हमको स्टॉक में 2.04% की यहाँ पर गिरावट देखने मिली है। लेकिन यहाँ पर भी अच्छी बात यह है कि गिरावट के बाद भी जो ये स्टॉक है वो यहाँ पर अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ से भी अगेन हमको स्टॉक में रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। यहाँ से अगर अब स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 2351 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने मिलेगा। अगर स्टॉक इसको यहाँ पर ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 2452, देन यहाँ से हमको स्टॉक में 2568 और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 2693 और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 2800 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में 2900-3000 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से अब गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 2274 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 2214 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 2129 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।